I'm gonna be taking a picture from here also with Utkarsh Shishida and you guys. Alright, Utkarsh Shishida with you guys in the background. Umang, one! Alright, thank you so much. I'll be distributing the. Go to the green room. Security, security, I'm telling you guys, these maintaining chains, don't let the crowd come in. Gentlemen, give them a huge, huge round of applause. Utkarsh Sharma and Ishida Chauhan, the star cast of. Hello. ये कॉलेज इवेंट के बारे में उमंग काफी पॉपुलर है और काफी जो इंस्पिरेशनल था काफी उनका जो प्ले था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उमंग का मैं हिस्सा रह चुका हूं ऑर्गेनाइजिंग टीम का जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वापस यहां पे आना एक तरीके से मेरी लाइफ फुल सर्कल आ गई है मैंने भी इसी स्ट्रीट प्ले में अपनी शुरुआत की थी इसी में भाग लिया था एंड आज उसको जज करने का मौका मिला तो बहुत ही ऑसम था क्योंकि जो आज के बच्चे हैं मैं मानता हूं जब हम कॉलेज में थे इतने जागरूक नहीं थे वो इतने ज़्यादा जागरूक थे इतने अच्छे सोशल मैसेजेस हमें याद दिला रहे हैं बोल रहे हैं सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना चाहिए हमें तो सच में मोटिवेटिंग था इंस्पायरिंग था एंड सभी ने हार जीत इसमें किसी की नहीं होती क्योंकि सब ने सही कहा है एंड इसलिए सबकी जीत है यहाँ पे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट मैंने अभी बताया इट वॉज लाइक आई ऑलवेज लव स्ट्रीट प्लेस एक्चुअली एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन एंड लाइक उत्कर्ष मेंशन दैट इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग और कभी मतलब दे हैड पोर्ट्रेट द मैसेज सो वेल एंड यू नो डेफिनेटली इट वॉज वेरी एंगेजिंग एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यू नो इवेंट एंड डेफिनेटली इट्स लाइक The best feeling. so yeah. प्ले करना कितना difficult होता है उत्कर्ष आपने किया हुआ है इसका मतलब बताएं जी प्ले करना बेहद difficult होता है it is more harder than acting on camera because आपके पास एक ही मौका होता है to get everything right and इतनी भीड़ है इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं बॉम्बे में कोई शांत जगह तो कभी मिलेगी नहीं जैसे देखिए इंटरव्यू में भी फ़ोन बच गया किसी का तो इन सब इस माहौल के बीच में आपको अपनी परफॉर्मेंस आपकी बात कहनी है उसमें बहुत एनर्जी लगती है एंड बहुत मेंटल फोकस लगता है तो प्ले करना कोई आसान बात नहीं है एंड इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम श्योर अगर ये लोग इस फील्ड को परस्यू करते जाएं तो बहुत आगे जाएंगे आपने प्ले किया है कभी इशिता मैंने एक्चुअली किया नहीं है मैंने बस देखा है वैसे करना चाहिए करना चाहोगे प्ले डेफिनेटली आई वुड थिएटर के मुकाबले में माना जाता देखा जाए तो फिर ये भी एक हम बोल सकते हैं ये भी एक थिएटर ही थिएटर का भी एक रूप है ये जी 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 और जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आए नवाज कर लीजिए इरफान खान जो ये सब थिएटर से आए हुए देखा जाए तो आप मुझे लाइक आई वुड डेफिनेटली यू नो लव टू डू इट मोर देन वंस एक्चुअली अभी चांस मिलेगा तो आई वोंट मिस इट और ये भी कहना चाहूंगी ये प्ले था इसमें मीडिया को थोड़ा नेगेटिव आस्पेक्ट में दिखाया गया आप क्या कहना चाहेंगे कि न्यू कमर्स हो जो एक्टर्स होते हैं वो स्टार्स बनते हैं फिर सुपरस्टार्स बनते हैं उसमें मीडिया का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है जी जी तो आप मानते हैं इस बात को डू यू एग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज़ एक्टिंग टैलेंट तो जरूरी है लेकिन व्हाट यू गेट द स्टेटस है यस यस मीडिया देखिए हर चीज की के दो पहलू होते हैं मैं मानता हूँ कि मीडिया डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है एंड कई बार मीडिया ही हमें सही जगह तक पहुंचाता है जहां पे हम शायद अगर केरला के जो फ्लड्स हैं उस पर जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट के मीडिया ने जितनी कवरेज दी है उतना उतना शायद टीवी की मीडिया नहीं दे पा रही तो मीडिया बढ़ चुका है एक कुछ मीडिया डेफिनेटली है जो सही काम करता है एंड उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ जो मीडिया बस टीआरपी के चक्कर में है वो मीडिया तो गलत राह पे है
डेफिनेटली एक डिवाइड ज़रूर है, बट मीडिया अच्छा भी है तो बुरा भी है. मेरा तो एकदम बीच में इसका आंसर रहेगा. एक्चुअली जो भी इन्होंने कहा वैसे बराबर है. एंड मैं एक बात बोलूँगी कि एवरी वेयर इट इज़ गुड एंड बैड, तो वैसे मीडिया का भी वैसा ही होगा. एंड बट या गुड मीडिया इज विद यू नो helps and grows better, and you know it's something we should always what do you say support. Yeah, support. College की कोई memory हम जो share कर सकते हैं आप, क्योंकि college में आए हुए हैं, पुरानी यादें ताज़ी हो गई रहे. जी मैं एक साल यही NM college में था, तो यहाँ पे काफ़ी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं. मैं यहाँ पे local train, यहाँ से हर कहीं पे भी जाना होता local train से ही आता जाता था. एंड जबकि घर मेरा 10 मिनट दूरी है, फिर भी मैं यहाँ पे लोकल ट्रेन का एक उस टाइम था कि बॉम्बे खुद एक्सप्लोर करना, एक रिबेलियस नेचर आ गया था उस समय. तो यहाँ पे पहले बहुत दुकानें होती थी डोसा की, इसकी पावड़ा की वगैरह, वहाँ पे ही मेरे नाश्ते लंच सब होते थे. एंड मतलब बहुत बहुत मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हर शहर से, हर इंडिया के हर छोटे से छोटे शहर के भी लड़के आते थे, लड़कियाँ आती थी, जिनसे आप जब इंटरेक्ट करते थे आपको आपका माइंडसेट और खुलता था, आपको देश के बारे में और पता रहता था कि किस तरह के लोग इंडिया में फैले हुए हैं. तो इस कॉलेज ने कहीं ना कहीं मेरे डेवलपमेंट में बहुत मदद की. एक्चुअली ये मेरे लिए पहला रियल लाइफ कॉलेज एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज के पहले मैंने कभी यू नो ऐसे कॉलेज में जाके स्ट्रीट प्लेस या फिर लाइफ कोई भी प्ले ऐसे देखा नहीं था. सो डेफिनेटली दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड टू बी ऑनेस्ट इज द बेस्ट वन, सो आई एम रियली ग्लैड. उसके अलावा केरला में बाढ़ आई हुई है, क्या अपील करना चाहेंगे? जी जीनियस की पूरी टीम की तरफ से, जीनियस ने एक हमारे प्रोड्यूसर्स दीपक मुखर्जी एंड मैंने भी एंड डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, हम सब ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि हमारी फिल्म का कुछ भी प्रॉफिट एंड कुछ भी एक सर्टेन परसेंटेज केरला फ्लड रिलीफ फंड में जाएगा. मैंने भी अपना जो जितना भी रेम्यूनरेशन थी उसके टूवर्ड्स लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये देश की बात है, केरला भारत का ही हिस्सा है एंड हर भारतीय मैटर करता है. तो मेरी आपसे, मेरी और इशिता दोनों की आपसे यही अपील है कि आप सब भर भर के डोनेशन दें. अगर भर के नहीं दे पाते थोड़ा सा भी चलेगा, क्योंकि सब जिंदगियों को अफेक्ट करता है ये फ्लड एंड सबकी जिंदगी को में काम आएगा. केरला बहुत अहम हिस्सा है भारत का. इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने एंगेजमेंट कर लिया है, क्या गुरुशित देना चाहेंगे? जी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं एंड निक जोनस कमाल के सिंगर हैं. तो जिन दोनों के मैं और इशिता फ़ैन हैं, जब वो दोनों मिल गए तो फिर भाई हम लोग को खुशी हो रही है एंड उम्मीद करते हैं उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा एंड ब्राइट रहेगा. कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर. Thank you.